हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप SBI कलेक्ट की पेमेंट हिस्ट्री की रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर दो मेथड के थ्रू हम SBI कलेक्ट की पेमेंट हिस्ट्री की रिसिप्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल का यहाँ पर गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर के सर्च बार में सर्च करना है SBI कलेक्ट। दोस्तों, आपको यहाँ पर SBI कलेक्ट लिखकर कुछ इस तरह सर्च करना है SBI कलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहली वाली साइट स्टेट बैंक कलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर या टर्म्स यूज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको एक बॉक्स मिलेगा, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड अबव। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बॉक्स में राइट का टिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर की राइट साइड में 3 लाइन शो हो रही होगी। सिंपली आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लेफ्ट में स्टेट बैंक कलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट हिस्ट्री का। तो आपको यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने पेमेंट की हिस्ट्री को की प्रिंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक गोले का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। दोनों के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से दोस्तों, हम हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलता है स्टार्ट डेट का। दोस्तों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस इसके बारे में बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि स्टार्ट डेट में हमें क्या डालना है। तो स्टार्ट डेट में दोस्तों, आपने जिस दिन पेमेंट किया है उस दिन की डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और अगर दोस्तों, आपको याद नहीं है किस दिन पेमेंट किया, तो आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री चेक करिए, या दोस्तों आपको यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये रिसिप्ट है, तो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर एक डेट शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ डेट शो हो रही है 19 जुलाई 2022। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से हम यहाँ पर हमारी डेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस दिन भी हमने पेमेंट किया था। तो हमने यहाँ पर वो डेट को सिलेक्ट कर ली। इन डेट में दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है गो का। तो सिंपली आपको यहाँ पर गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर एक कैप्चर कोड शो होगा। तो आपको यहाँ पर कैप्चर कोड बॉक्स में आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसी के यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर स्मॉल में ही टाइप करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पर राइट की ओर स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे आप यहां पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हो, आपको यहां पर नीचे प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, ऊपर की राइट साइड में दोस्तों, आपको यहां पर 3 डॉट शो होगी। तो आपको यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर के नीचे फाइन इन पेज। तो सिंपली आपको यहाँ पर फाइन इन पेज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दोबारा नीचे आना है। नीचे आप दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो फटाफट से हम इसे प्रिंट कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पर दो पेजेस में शो हो रहा है, तो हम इसे एक पेजेस में दोस्तों प्रिंट को यहाँ पर प्रिंट करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेपर साइज पे के नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एरो का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेटर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सामने यहाँ पर ये एक पेजेस में प्रिंट कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर PDF के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको इसे अपने फाइल मैनेजर में सेव कर लेना है, तो यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट यहाँ पर मेथड जिसके थ्रू हम SBI कलेक्ट की पेमेंट हिस्ट्री को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड मेथड के थ्रू रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए बिल्कुल वही मेथड को फॉलो करना है जो कि हमने फर्स्ट मेथड में यहाँ पर प्रिंट डाउनलोड करने के लिए जो मेथड का यहाँ पर यूज किया था। बेसिकली आपको यहाँ पर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन एंटर द NB रेफरेंस नंबर, तो आपको यहाँ पर ये वाले गोले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर DU रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप करना है। DU रेफरेंस नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर टाइप करने के लिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे SBI कलेक्ट की जो भी रिसिप्ट आपके सामने आपके पास पहले से होगी उसको आपको देखना है। उसमें आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा SBI कलेक्ट नंबर रेफरेंस नंबर, तो आपको यहाँ पर ये वाला DU वाला नंबर आपको यहाँ पर बॉक्स में टाइप करना है। तो हम फटाफट से यहाँ पर रेफरेंस नंबर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर दोस्तों आपको कुछ भी एक को यहाँ पर आपको फिल करना है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर कोड का, तो आपको यहाँ पर फटाफट से कैप्चर कोड को यहाँ पर स्मॉल में आपको टाइप करना है। बेसिकली आपके सामने यहाँ पर कैप्चर कोड स्मॉल में ही आपके सामने शो होंगे, तो जो भी कैप्चर कोड आपके सामने शो हो रहे हैं उसे स्मॉल में टाइप करना है और बिल्कुल वही प्रोसेस करना है जो हमने फर्स्ट मेथड में यहाँ पर किया था। गो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर राइट की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद आपको बेसिकली वही मेथड फॉलो करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फाइन इन पेज, और आपके सामने यहाँ पर दोबारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और आपको यहाँ पर पेपर साइज के नीचे एरो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लेटर, देन उसके बाद आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर ये एक पेजेस में PDF कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे आपको PDF पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से अपने फाइल मैनेजर में से सेव कर पाओगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिसिप्ट को डाउनलोड करने में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।